आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। झारखंड के लाल का शव देखते ही उबले लोग। कुमला में शहीद के पार्थिव शरीर का हुआ अंतिम संस्कार। लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। सीएम रघुवर और जयंत सिन्हा ने दिया कांधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड में करेंगे सौगातों की बरसात। 2300 करोड़ की योजनाओं का होगा उद्घाटन और शिलान्यास। पलामू हजारीबाग दुमका में मेडिकल कॉलेज का होगा उद्घाटन। दुश्मन की तबाही के लिए वायुसेना तैयार। पोखरण में 180 विमान कर रहे हैं अभ्यास। सर्वदलीय बैठक में दिखी भारत की ताकत। सभी ने एक स्वर में कहा बदला लो। आज की राजनीतिक हलचल। दल बदल मामले पर फैसला 20 को। दो मंत्रियों और 4 विधायकों की सांसें थमी। लालू यादव से मिले तेजस्वी यादव, बंधु तिर्की और शालिनी। महागठबंधन का पेच सुलझने की उम्मीद। 27% आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय सम्मेलन कल। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद विजय सोरेन का पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार शनिवार को किया गया। मौके पर लोगों ने नम आंखों से शहीद को विदाई दी। एक ओर लोगों की आंखों में गम के आंसू थे, तो वहीं इस आतंकी करतूत को लेकर गुस्सा भी दिखा। गम और गुस्से का सैलाब कुमला समेत झारखंड में देखने को मिला। इससे पहले शहीद विजय सोरेन का पार्थिव शरीर शाम करीब 5 बजे गुमला स्थित उनके पैतृक गांव बसिया के फरसामा पहुंचा। शहीद की पत्नी कार्मेला सोरेंग भी रांची से ही शव के साथ थी। शहीद के गांव में सैकड़ों की संख्या में लोग अपने लाल की एक झलक पाने को बेकरार दिखे। वीर सपूत शहीद विजय सोरेंग का शव जैसे ही रांची एयरपोर्ट पहुंचा, वीर विजय अमर रहे के नारों से पूरा एयरपोर्ट गूंज उठा। सीएम रघुवर दास और केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने रांची एयरपोर्ट पर वीर सपूत के शव को कांधा दिया। दोनों ही शहीद के पार्थिव शरीर को कंधे पर लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकले। रांची एयरपोर्ट पर शहीद के पार्थिव शरीर को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा के साथ झारखंड के मंत्री, सभी पार्टियों के सांसद और विधायकों ने श्रद्धांजलि दी। उनके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी पहुंचे थे। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को हजार बागों के शहर हजारीबाग में झारखंड में सौगातों की बारिश करेंगे। 2300 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हजारीबाग के गांधी मैदान में होगा। प्रधानमंत्री जहां पलामू, हजारीबाग और दुमका में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे, वहीं हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू और दुमका में 5-500 बेड के अस्पताल का आधारशिला रखी जाएगी। दूसरी ओर खासकर हजारीबाग को सबसे बड़ी सौगात मिलेगी। यहां 525 करोड़ की योजनाओं से लोगों के घर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। इस योजना के तहत कोनार डैम से हजारीबाग के 4 प्रखंडों के अलावा हजारीबाग के विभिन्न मोहल्लों में पानी की सप्लाई होगी। प्रधानमंत्री 3:40 पर झारखंड के लिए सारी सौगात देकर रांची के लिए उड़ान भर लेंगे। डीआईजी पंकज कंबोज ने आजाद सिपाही से बातचीत में कहा कि पुलिस की चप्पे पर निगाहें हैं, नक्सल विरोधी तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल, सीआरपीएफ, एटीएस तमाम बलों की तैनाती कर दी गई है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। पुलवामा हमले के बाद कायर आतंकियों के मददगार, दुश्मनों को सबक सिखाने की योजना तैयार कर ली गई है। दुश्मन को तबाह करने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह तैयार है। 180 युद्धक विमान पोखरण के आकाश में लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं। हालांकि यह युद्धाभ्यास पहले से निर्धारित था, लेकिन पुलवामा हमले के बाद पैदा हुई नई परिस्थितियों में इसे बेहद अहम माना जा रहा है। इस अभ्यास में रूस की वायुसेना भी शामिल है। एयर मार्शल अनिल खोसला ने इस अभ्यास को देश के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि यह युद्धाभ्यास वायुसेना की क्षमताओं को जांचने के लिए जरूरी है। इसके साथ ही नई परिस्थितियों में वायुसेना की तैयारियों का भी परीक्षण किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस अभ्यास में मिराज, तेजस और अन्य युद्धक विमानों के अलावा हेलीकॉप्टर भी शामिल है। अभ्यास में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों और अन्य अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों का भी परीक्षण किया जा रहा है।
अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। पुलवामा में हुए आतंकी हमले से देश भर में फैला आक्रोश लगातार तीसरे दिन जारी रहा। सीआरपीएफ के 40 जाबाजों की शहादत के बाद सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी यह आक्रोश देखने को मिला। बैठक में शामिल सभी दलों ने एक स्वर में इस हमले की भर्त्सना की और इसका बदला लेने को कहा। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने बैठक में पुलवामा हमले को लेकर नेताओं को जानकारी दी। एक दिन पहले पीएम के साथ सुरक्षा की कैबिनेट कमेटी की बैठक के बाद राजनाथ सिंह कश्मीर गए थे। बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पूरा विपक्ष इस मसले में अपनी सेना और सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कश्मीर की आम जनता राज्य में अमन चाहती है व देश के साथ खड़ी है। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। दल बदल मामले पर फैसला 20 को, दो मंत्रियों और चार विधायकों की सांसें थमी। झारखंड सरकार के दो मंत्रियों और चार विधायकों की सांसें थम गई है। झाविमो के टिकट पर चुनाव जीतकर भाजपा में आए इन दो मंत्रियों और चार विधायकों के मामले में स्पीकर डॉक्टर दिनेश उरांव 20 फरवरी को फैसला सुनाएंगे। स्पीकर के न्यायाधिकरण की तरफ से इस बाबत दोनों पक्षों को सूचना भेज दी गई है। जिस 6 विधायकों पर दल बदल मामले में फैसला होना है उसमें अमर बाउरी और रणधीर सिंह झारखंड सरकार में मंत्री हैं, जबकि जानकी प्रसाद यादव आवास बोर्ड और गणेश गंजू मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष हैं। विधायक आलोक चौरसिया और नवीन जायसवाल भी हैं। यह दल बदल का मामला है। लालू प्रसाद यादव से मिले तेजस्वी यादव, बंधु तिर्की और शालिनी। महागठबंधन का पेच सुलझने की उम्मीद। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार झारखंड में विपक्षी महागठबंधन का स्वरूप तय हो गया है। जिन सीटों का पेच उलझ रहा था उसे सुलझा लिया गया है। संभव है कि रविवार या सोमवार को इसका औपचारिक ऐलान राजद की ओर से कर दिया जाएगा। शनिवार को रांची के रिम्स में इलाजरत चारा घोटाले के 4 मामलों के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उनके छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मिले। इसके अलावा झाविमो नेता बंधु तिर्की और पूर्व सांसद कमला मिश्र मधुकर की पुत्री शालिनी मिश्र भी लालू प्रसाद से मिली। इसके बाद से ही पेच सुलझने की खबरें आ रही है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। 27% आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय सम्मेलन कल। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ एवं अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा के संयुक्त बैनर तले राष्ट्रीय अधिवेशन सह राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन रविवार को रांची के विधानसभा मैदान में 1 बजे से होगा। सम्मेलन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा मैदान में होने वाले इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो होंगे। सम्मेलन का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन करेंगे। महासभा के अध्यक्ष इंद्र कुमार सिंह चंदापुरी ने बताया कि इस अधिवेशन सह सम्मेलन में कई प्रस्ताव लाए जाएंगे। इसमें झारखंड में पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण देना मुख्य रूप से शामिल है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।